हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ टाइम फॉर चैप्टर 44। दिस इज चैप्टर 44, फैक्ट्स फॉर रीड। इसमें कुछ फैक्ट हैं जो आपको रीड करने हैं, और वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। देखिए, स्टार्टिंग है रेनेसांस। इट वॉज अ ट्रांजिशनल मूवमेंट इन यूरोप बिटवीन द मेडिवल एंड द मॉडर्न एज। इट रिवाइव द एंशियंट आइडल्स इन लिटरेचर, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर। इट बिगेन इन द 4th century एंड रीच्ड इन द क्लाइमैक्स इन द 15th and 16th century। यानी ट्रांजिशनल मूवमेंट, यानी कि संक्रमणकालीन आंदोलन है ये, जो यानी कि जो एक संक्रमणकालीन आंदोलन था, यानी कि ट्रांजिशनल मूवमेंट था, वो यूरोप में हुआ था मेडिवल एंड मॉडर्न एज में, यानी कि मेडिवल एज एंड मॉडर्न एज के बीच में हुआ था। एंड इसको रिवाइव किया गया था, इनके पुनर्जीवित किया गया था एंशियंट आइडल्स में, जैसे लिटरेचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर। एंड इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 4th century में हुई थी, और जो इसका क्लाइमैक्स पहुंचा था वो 15th and 16th century तक पहुंचा था। अमेरिकन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। इट वॉज फाउट बाई सेटलर्स इन अमेरिका अगेंस्ट द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका डिक्लेयर इंडिपेंडेंस ऑफ July 4, 1776। यानी कि जो ये फाइट हुई थी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि अमेरिका ने इंडिपेंडेंस के लिए जो वॉर किया था, वो जो अमेरिका में सेटलर्स थे, जो अमेरिका में रहते थे, उन्होंने ये ब्रिटिश के अगेंस्ट किया था। और उनकी जो इसके जो लीडरशिप थी, यानी कि लीडरशिप जिसके अंडर में थी, वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। एंड अमेरिका की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुई थी 4 जुलाई 1776 में। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इट टुक प्लेस इन 1789। रोजियो प्रीच द गॉस्पेल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी। द किंग एंड द क्वीन वर एग्जीक्यूटेड। नेपोलियन एमर्ज एज द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ फ्रेंच। यानी कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, यानी कि जो 1789 में ये रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एंड जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी थी, इसके सुसमाचार को का प्रचार किया था। यानी कि गोस्पर इनके सुसमाचार एंड प्रीस्ट, यानी कि प्रचार, तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी, इन सब का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार किया था। एंड किंग और क्वीन जो थे, उन्हें मार डाला गया था। नेपोलियन एमर्ज एज द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ फ्रांस। और जो नेपोलियन थे, वो उभरे थे फ्रांस के स्ट्रॉन्ग मैन के रूप में, एमर्ज यानी कि उभरा हुआ। देखिए, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जर्मनी, इटली एंड जापान कॉल्ड द एक्सिस पावर्स फाउट ऑन वन साइड यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए, पोलैंड एंड बेनेलिक्स कंट्रीज कॉल्ड द एलीज फाउट ऑन द अदर साइड। द एक्सिस पावर ऑफ द पावर्स लॉस्ट द वॉर। दिस वॉज लेड टू द फाउंडिंग ऑफ द UNO। यानी कि जो जर्मनी, इटली, जापान के वो से एक्सिस पावर कहा था, जो कि एक साइड थे, और यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए, पोलैंड एंड बेनेलिक्स कंट्रीज, जिन्हें एलीज का नाम दिया गया था, वो अपोजिट पार्ट अदर साइड से फाउट कर रहे थे। यानी कि दो अलग अलग टीम ने वॉर किया था, अलग अलग कंट्रीज ने। एंड जो इनका एक्सिस पावर था, वो वहाँ पर वार में खो गया था। एंड UNC के लिए, जो UNO है, UNO की स्थापना के लिए नेतृत्व किया गया था। यानी कि दिस वॉज लेड टू द फाउंडिंग ऑफ UNO, इट्स मीन्स कि UNO की स्थापना के लिए नेतृत्व किया गया था। देखिए, द यूनाइटेड नेशन। इट कंसिस्ट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल एंड इंटरनेशनल स्टाफ। द सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। द सेक्रेटरेट कैरीज आउट द डे टू डे वर्क of the UNO, some more agencies of the UNO are in की जो इसे कंसिस्ट किया गया था सेक्रेटरी जनरल एंड इंटरनेशनल स्टाफ से। एंड जो सेक्रेटरी जनरल हैं, वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और हैं, और उन्हें अपॉइंट किया गया था जनरल असेंबली से, यानी कि जनरल असेंबली के थ्रू उन्हें अपॉइंट किया गया था। और जो सेक्रेटरीट हैं, वो कैरी करते हैं क्या जो भी वर्क होता है UNO के डे का, जो डे वर्क होता है उसे कैरी करते हैं। एंड सम उसकी कुछ UN इसकी कुछ अदर एजेंसीज भी हैं, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, द ILO। इट वॉज फाउंडेड इन 1919 बाई द लीग ऑफ नेशंस। इट ट्राइज टू शॉर्ट आवर प्रॉब्लम्स बिटवीन गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन जेनेवा इन स्विट्जरलैंड।
यानी कि ये इस 1999 में शो किया गया था, एंड इसकी जो और ये जो हमारे प्रॉब्लम्स होती है ना शॉर्ट करने की, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे जो कोई प्रॉब्लम है जो बिटवीन किसके, गवर्नमेंट के, एम्प्लॉयर्स के एंड वर्कर्स के, और उनके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन रोम, इट हेल्प्स कंट्रीज इन फार्मिंग, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्रीज। यानी कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में, और ये क्या हेल्प करते हैं, फार्मिंग में, फिशरीज में, फॉरेस्ट्री में, कि जो कंट्रीज के फार्मिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री है उनमें हेल्पफुल रहते हैं। द UNESCO, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इट केम इन टू बिगेन बींग इन 1946, इट हेल्प्स कंट्रीज इन द मैटर ऑफ एजुकेशन एंड साइंस, इट हेडक्वार्टर्स इन पेरिस। एंड कि ये जो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1946 में हुई थी, और ये हेल्प करते हैं कंट्रीज़ के उन मैटर्स में जैसे एजुकेशन है, साइंस है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा, इट वर्क्स टू इम्प्रूव द टीथ ऑफ द पीपल ऑफ द इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, और ये जो वर्क करता है, जो पीपल होते हैं वर्ल्ड के, जो पीपल हैं उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए। द UNICEF, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, इट वॉज स्टार्टेड इन 1946, इट ट्राइज टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन एंड मदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर आर ऑल्सो मैनी अदर एजेंसी विच परफॉर्म स्पेशल स्पेशल जॉब्स, ईच एजेंसी हैज़ अ प्रेसिडेंट एंड अ डायरेक्टर। यानी कि ये इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1946 में हुई थी, एंड इसलिए ये ट्राई करते हैं इम्प्रूव करने के लिए जो पीपल्स हैं, जो उनके चिल्ड्रन हैं, उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्पफुल रहते हैं। एंड ये इनके कुछ अदर एजेंसीज भी हैं जिनके स्पेशल परफॉर्मेंस रहती है, स्पेशल जॉब रहती हैं, और जिसके और उन एजेंसीज के प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर भी होते हैं। अब देखिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द नेम ऑफ पार्लियामेंट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन्स अ बॉडी ऑफ पीपल हु मीट टू डिस्कस मैटर ऑफ स्टेट्स। जो पार्लियामेंट है वो वर्ड आया फ्रेंच वर्ड से, पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट का मीनिंग है कि जो स्टेट के जो मैटर होते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं पीपल्स के थ्रू। एंड नो अबाउट मोर योर कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अब और भी जानते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली पास एंड एक्सेप्टेड ऑन November 26, 1949। द सेशन ऑफ द असेंबली वॉज हेल्ड ऑन January 24, 1950, विच यूनिमसली इलेक्टेड बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन ऑल द 284 मेंबर ऑफ द असेंबली साइन ऑफ द ऑफिशियल कॉपीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कम इन टू इफेक्ट ऑन January 26, 1950, नोन एज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे ऑफ द इंडिया। यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास किया हुआ था, जो उसके एक्सपेक्ट किया था, उसे मान लिया गया था 26 नवंबर 1949 में, और जो असेंबली हुई थी वो 24 जनवरी 1950 में हुई थी। एंड उसमें जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसमें 284 मेंबर्स होते हैं, जिसमें टोटल मेंबर कितने होंगे, 284। एंड जो हमारी इसमें जो भी असेंबली होती है तो उसके लिए जितने वर्क होते हैं वो सब इनके अंडर में रहते हैं। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो यानी कि जो हमारी स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 में हुई थी, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं आज भी रिपब्लिक डे के रूप में। यानी कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, जिस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो लागू किया गया था। स्टोरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वॉज फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ May 16, 1946। यानी कि जो प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, सॉरी, जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू फॉर्म किया गया था। एंड ये सब जो हुआ था वो 16 मई 1946 में हुआ था, इसका सेटअप हुआ था वो कब हुआ था, May 16, 1946। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 385 मेंबर्स, ऑफ विच 292 वर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स
ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज वाइल 93 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसेसली स्टेट्स. रिप्रेजेंटेशंस वर ऑल्सो मेड फ्रॉम द फोर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ऑफ दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कोर्क एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान. यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसमें 385 मेंबर्स हैं, जिसमें से 292 इलेक्टेड किए जाते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू, जिसमें और 93 जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रिंसली स्टेट से. एंड जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो भी वो फोर चीफ कमिश्नर प्रोविंस में, जो कि दिल्ली में है, अजमेर मेरवा में है, कोर्क में है, ब्रिटिश बलूचिस्तान में है, उनके द्वारा बनाया जाता है. ईच प्रोविंस एंड ईच इंडियन स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट वर एलोटेड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1 to 1 million. यानी कि जो प्रोविंस है वो और जो इंडियन स्टेट हैं या ग्रुप हैं स्टेट्स के, जो अलग अलग ग्रुप हैं उनको अलॉट किया जाता है टोटल जितनी भी, यानी कि जो टोटल सीट्स होंगी उनके अकॉर्डिंग, एंड उन्हें जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो वहाँ के रेशियो के, जो पॉपुलेशन के जो रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग किया जाता है. बी एन राव वाज अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ असेंबली, और बी एन राव को अपॉइंट किया गया था असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के लिए. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस ऑन December 9, 1946 विद डॉक्टर सचिनानंद सिंह एज इट इंटरिम प्रेसिडेंट. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट ऑन December 11, 1947. यानी कि जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जो किसके साथ हुई थी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के साथ हुई थी, और उसमें जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड किए गए थे एंड प्रेसिडेंट हुए उसके प्रेसिडेंट के थ्रू. कब किया था, 11 दिसंबर 1947 में. 13 कमेटीज वर सेटअप टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम के सेटअप के लिए 13 कमेटी को बनाया गया था. द ड्राफ्टिंग कमेटी विच बोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग तो ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट वॉज फॉर्म्ड ऑन August 29, 1947. यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि ड्राफ्टिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट की, वो फॉर्म की गई थी 29 अगस्त 1947 में. द ड्राफ्टिंग कमेटी कंसिस्टेड 6 मेंबर्स, दे वर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, एन डी पी खैतान. यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके 6 मेंबर्स थे जो थे, और उनके नेम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी, माधव राव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी एंड डी पी खैतान. योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट.